यहाँ पर फैन लगा लिया ना, सब सही रहा। नीचे को निकाल कर तो लगा सकते हैं। चलो ऐड होने तो ये हो रहा है ना। और दो लोगों को ऐड ऑन दो। चलो हो गया। ठीक है, देखो अब क्या चीज हो रही। हम क्या, एक सेकंड और। एक संकर संकरण है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पर दो विपरीत जोड़ी लक्षण लिए है ना। अब विपरीत लिए तो हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको जो इजी लग रहा है वो वाला ले ले रहे हैं, और ये बनाते भी चलना। ठीक है, ये हमने एक लंबा पौधा लिया और एक क्या लिया हमने यहाँ पे, बौना पौधा लिया। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे P2, ये है P1, और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाया तो हमको क्या मिला यहाँ पे, ये कैसा है लंबा। ठीक है, ये कैसा है बौना। क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला मिला, मतलब ये कैसा है संकरित लंबा है। ठीक है, और ये क्या होगी, इसकी F1 पीढ़ी होगी। ठीक है, और यहां पर क्या करवाया है हमने, पर परागण करवाया है ना, पर परागण करवाया है। और अब क्या करवा रहे हैं, इसके बीच में हम स्व परागण करवा रहे हैं ना। तो जब हम स्व परागण करवा रहे हैं तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। स्व परागण में समान पौधे लेते हैं, ये इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमारे को क्या मिला, ये यहाँ पे दो तरह के गैमेट मिले, एक टी यहाँ से मिला, एक स्मॉल टी यहाँ से मिला, एक कैपिटल टी और यहाँ से मिला एक स्मॉल टी। ठीक है, ये हमको गैमेट्स मिल गए। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, तो एक गैमेट्स इस पौधे से आया, दूसरा गैमेट्स कहाँ से आया, इस पौधे से आया। फिर एक इसको हम पहले क्रॉस बना ले रहे हैं ना, एक यहाँ से आ गया है और एक यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर एक गैमेट्स यहाँ से आ गया है, एक गैमेट्स यहाँ से आया है, फिर एक अगला गैमेट्स यहाँ से, और ये एक गैमेट्स हो गया यहाँ से। अब ये क्या कर रहे हैं हम इसको, तो एक कैपिटल टी क्या है, ये है। ठीक है, दूसरा कैपिटल टी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये हमको एक लंबा और पौधा मिल गया। ठीक है, ये कैपिटल टी यहाँ से आया यहाँ पर इस वाले गैमेट में, और एक क्या आया था यहाँ पे, स्मॉल टी आया था ना, स्मॉल टी आया था, मतलब क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक यहाँ पे स्मॉल टी आया और ये कैपिटल टी आया, तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रभावी वाले को लिखते हैं, इसलिए कैपिटल टी लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये स्मॉल टी हो गया।
और लास्ट में क्या हो गया हमको यहाँ पे, ये ठीक है, ये चार प्रकार की संतानें मिली। अब चार प्रकार की मिली तो ये कैसा है यहाँ पे, प्योर लंबा है, ठीक है, ये कैसा है बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी, हाइब्रिड, हाँ ये संकरित लंबा है ना, ये संकरित लंबा है ये दोनों, और ये कैसा है यहाँ पे, शुद्ध बौना पौधा है। अब क्या हुआ जो यहाँ पे हम, ये है एक संकर संकरण कि हमको जब क्या होता है F2PD पे जाते हैं हम, ये क्या है यहाँ पे F2 है, ठीक है, तो एक संकर संकरण में हमको ये पता चलता है कि जो भी प्रभावी लक्षण है वो क्या होता है एक जनरेशन बाद क्या हो जाता है हमको शुद्ध रूप में मिल जाते हैं। यही प्रभाविता का नियम भी यहाँ पे, ये एक संकरण संकरण से हमको प्रभाविता का जो मेंडल का पहला नियम है वो भी हमको पता चलता है कि जब हम यहाँ पे दो विपरीत जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में हमको हमेशा प्रभावी मिलता है ना, हमेशा प्रभावी लक्षण मिलता है। लेकिन जब हम उसके बीच में स्व परागण करवाते हैं तो F2PD में हमको आधे पौधे शुद्ध अवस्था में मिल जाते हैं और आधे कैसे मिलते हैं, संकरित अवस्था। अब यहाँ पे एक परसेंटेज बनता है ना, एक परसेंटेज बनता है, तो क्या चीज हो रहा है यहाँ पे देखो, ये है 25% है ना, ये दोनों का परसेंट कैसे है क्योंकि ये समान पौधे हैं तो इनका क्या हो गया यहाँ पे 50%, ये कैसा है यहाँ पे छोटा बौना पौधा है तो इसका क्या हो गया यहाँ पे 25%। तो अब जो हमको रेशो मिला है इसका हम अनुपात निकाले तो क्या निकला है, 1:2:1 मिला है कि ये दो पौधे अलग अलग पौधे थे इसीलिए 1:1 हो गया, और ये दो पौधे कैसे है यहाँ पे दो पौधे है तो ये दो है ना 50% हो गया, ये टोटल 100% हो गया। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास अनुपात आया है, अभी हमने जीनोटाइप बोला था है ना, जीनोटाइप बोला था, तो जीनोटाइप है ये, किसका अनुपात है, ये जीनोटाइप का अनुपात है कि उसमें जीनो का हमने क्या देखा, अभी यहाँ पे जीनो का स्ट्रक्चर देखा है ना, जीनो का स्ट्रक्चर देखा। अब क्या है फिनोटाइप बताओ इसका, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में क्या अनुपात आता है इसका, 3:1 आता है, ये क्या है इसका फिनोटाइप है। कैसे आए ये 3:1 बताओ, कैसे आया ये अनुपात, देखो क्या चीज हुई है यहाँ पे, हाँ बताओ, देखो नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, वैसा नहीं है यहाँ पे हमको ये पौधा कैसे देखने को मिल रहा है, लंबा या बौना कैसा देखने को मिल रहा है, लंबा, लंबा, ये एक हो गया, ये कैसा देखने को मिल रहा है हमको, हाइब्रिड है लेकिन कैसा है, लंबा है या बौना है, लंबा, ये भी लंबा है तो क्या हो गया ये +1 हो गया, ये कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लंबा, लंबा, ठीक है, तो ये एक और +1 हो गया, लेकिन ये पौधा कैसा देखने को मिल रहा है हमको, बौना, तो हम इसको इसके साथ में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, ये हमने इसको एक अलग कर दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया 3:1, हो गया यहाँ पे वो क्या योग का नियम है एक है ना, उस योग के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये तीनों को आपस में समान वाले को हमने जोड़ दिया और ये एक अलग वाले को अलग रख के जोड़ दिया, फिर दोनों में अनुपात निकाल लिया है ना, तो ये हो गया इसका क्या हो गया फिनोटाइप हो गया, कि हमको बाहर से कैसे देखने को मिल रहे हैं ये यहाँ पे लंबे पौधे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके जीन के स्ट्रक्चर में इनका अनुपात कैसे आ रहा है, 1:2:1। अब बारी आती है यहाँ पे प्रभाविता के नियम की, तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो नियम ये कहता है कि भाई जब हम विपरीत जोड़ी लक्षणों को लेते हैं तो F1PD में हमको हमेशा प्रभावी लक्षण देखने को मिलता है ना, क्या देखने को मिल रहा है, हमेशा प्रभावी, जब हम F1PD का स्व परागण करवा दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे शुद्ध और संकरित दोनों तरह के पौधे मिलते हैं, और आधे पौधे हमको कैसे मिलते हैं, प्रभावी अलग मिल जाते हैं और अप्रभावी वाले अलग मिल जाते हैं, तो जब प्रभावी वाले मिल रहे हैं तो प्रभावी कैसे मिले हमको, ये 3 पौधे यहाँ पे प्रभावी मिले, एक ये पौधा यहाँ पे प्रभावी मिला था, एक ये पौधा प्रभावी मिला था और एक ये प्रभावी मिला था। फिर अगर हम शुद्धता की बात करें तो F2PD में ये जो लक्षण है वापस से ये पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, आधे पेरेंट्स, अगर हम आधा देखा जाए इसका, एक और अगर परसेंट अगर देखा जाए, इसको एक्साइट करने दो,
देखो 1% अगर देखे तो यहाँ पे शुद्ध कितने हैं, ये 25 25 मिला के कितने हो गए यहाँ पे 50% हमको कैसे मिले हैं शुद्ध पौधे, और 50% हमको कैसे मिले हैं यहाँ पे संकरित पौधे। तो F2PD में वो शुद्ध अवस्थाओं में आधे पौधे हमको शुद्ध अवस्थाओं में मिल जाते हैं और आधे पौधे हमको संकरित अवस्था में मिल जाते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज समझ आई एक संकर संकरण में? यस सर। डाउट है इसमें बेटा? नो सर। देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है ये भी बता दे रहा हूँ। एक तो ये जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप, और ये वाला क्या है फिनोटाइप, मतलब हमको यहाँ जीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ये लंबा पौधा मिला था तो हमने ये 1 लिखा, यहाँ पे ये बौना मिला था तो ये 1 लिखा, और ये तो संकरित मिले थे इसीलिए ये 2 लिख दिए। ठीक है, और ये उसका क्या होगा जीनोटाइप। फिनोटाइप हमको इसके आकार में क्या देखने को मिल रहे थे, 3 पौधे यहाँ पे हमको लंबे देखने को मिल रहे थे और एक पौधा यहाँ पे बौने, इसीलिए कैसे देखने को मिला हमको, इसीलिए हम इसको क्या करें 3:1 में कर दिए, तो वो उसका क्या था फिनोटाइप था। ठीक है, रहेगा यार? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ी देर से बताओ। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे अब क्लियरली, और इसको स्क्वायर में बनाया है, स्क्वायर में क्या चीज होती है थोड़ा सा हमको ये क्रॉस करने में इजी जाता है इसीलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर में दिखाया है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ से भी? नो सर। ठीक है, तो मैंने क्या कौन सा बना के बताया है यहाँ पे, लंबाई वाला बना के बताया है ना, तुम लोग बना के बताओगे मेरे को येलो और ग्रीन वाला। ठीक है, सारे लोग मेरे को ये क्रॉस बना के सेंड करेंगे एक संकर संकरण का। ठीक है, चलो अब अगली चीज आती है यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, डाई हाइब्रिड। अब क्या चीज, डाई मतलब क्या हो रहा है 2 हो रहा है ना, मतलब अब क्या चीज करी, अभी हमने क्या लिया था मोनो हाइब्रिड लिया था तो हमने क्या किया था एक लक्षण लिया था, है ना, एक लक्षण लिया था, और अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 लक्षण लेंगे, कितने लेंगे 2 लक्षण लेंगे, है ना, तो 2 लक्षण लिए तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 अलग अलग लक्षणों में हमने एक ले लिया यहाँ पे गोल और पीला। ठीक है, कैसा ले लिया है गोल और पीला ले लिया, पहले इसका इसको मेरे को इधर ही बताना पड़ेगा, है ना, ब्लैंक स्क्रीन पे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 लक्षण ले रहे हैं, कहाँ गया ये, तो एक हमने क्या लिया यहाँ पे राउंड ले लिया, तो राउंड के लिए गैमेट्स क्या बन गए ये बन गए, है ना, पीले के लिए गैमेट्स क्या बन गया कैपिटल Y बन गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पे हमने क्या लिया झुर्रीदार लिया, तो झुर्रीदार के लिए क्या हो गया स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिया स्मॉल वाई। इसके बीच में हमने अब यहाँ पे ये 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं ना, ठीक है 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं ना, तो 2 कैरेक्टर, एक गोल है और एक क्या हो गया यहाँ पे येलो, एक क्या है झुर्रीदार है और एक कैसा हो गया यहाँ पे रिंकल्ड है। ठीक है, अब हमने इसके बीच में क्रॉस कराया तो हमको क्या मिल गया यहाँ से गैमेट्स कितना मिला, एक आर गैमेट्स मिला, ये क्या है P1 है, ये P2 है, इसको बनाओ भी बेटा है। तुम भी बनाओ, ठीक है तुम भी बनाते हुए चलो, हम धीरे धीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोग भी बनाते हुए चलो, है ना, ठीक है P2 है। यस सर। एक गैमेट ये आ गया, एक गैमेट हमको यहाँ से क्या मिला ये Y मिला, ठीक है कौन सा कैपिटल Y। ठीक है, यहाँ से क्या मिला स्मॉल R और एक क्या मिला है गैमेट स्मॉल Y मिला है। इन दोनों से यहाँ पे जो संतान आई, मतलब जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में क्या आया कैपिटल R और कैपिटल स्मॉल R, कैपिटल Y और ये आ गया स्मॉल वाला। अब ये पौधा हमको कैसे देखने को मिल रहा है, प्रभाविता का नियम लगाओ, जो पहला नियम है ना, पहला नियम क्या कहता है कि हमको F1PD में हमेशा प्रभावी देखने को मिलता है ना, तो प्रभावी कौन था गोल और पीला पौधा था, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया ये हमको गोल और पीला मिल गया, है ना, कैसा मिल गया यहाँ पे गोल और पीला। ठीक है, गोल और पीला मिल गया, ये हो गया प्रभाविता का नियम, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज आती है, युग्मकों का पृथक्करण का नियम लग जाता है, जो द्विसंकर क्रॉस है उसमें पृथक्करण का, कि सारे युग्मक स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं F2 पीढ़ी में, क्या हो जाते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं,
तो अब हम क्या क्या करवाना है यहाँ पे, स्व परागण करवाना है। तो स्व परागण करवाना है तो अब इसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, पी टू मान लो, और यहाँ पे हमको लेना है एक पी वन। स्व परागण करवा रहे मतलब हम क्या लेंगे, ये समान युग्मक लेंगे, है ना। तो समान युग्मक लिया तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कैपिटल आर बोलते भी जाओ बेटा, और स्मॉल आर। यहाँ पे क्या लिया, क्या लिया, कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। एफ टू जनरेशन लेना है ना, तो एफ टू जनरेशन लेना है। अब हम चल जाते हैं यहाँ पे आगे, ये ठीक है, ये है हमारे पास, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, पी टू हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, पी वन हो गया। और ये जनरेशन कौन सी चल रही है, एफ टू चलेंगी अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमको जो गैमिट्स, अब हमको यहाँ गैमिट भी बनाना है, तो गैमिट किससे बन रहे, ये क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये बनाओ बेटा, ये स्क्वायर बनाओ, खींचो सारे लोग, ये स्क्वायर खींचो सारे लोग, ये ऐसा बॉक्स बनाओ एक, सारे लोग ऐसा बॉक्स बनाओ बेटा, अभी बनाते हुए चलना है हमको। बन गया बॉक्स बेटा, बॉक्स बना, अभी नहीं बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा, सारे लोग को बनाना है। अगर ये नहीं बनाते हुए चलोगे ना तो भूल जाओगे किधर से क्या आया था, और इसमें अभी यहाँ ये अनुपात हमको निकालने पड़ेंगे। चलो बना, ठीक है। अब क्या चीज करी हमने, यहाँ से गैमेट्स लिए, ये गैमेट लिए, तो यहाँ से एक कैपिटल कैपिटल, पहले हम प्रभावी को लेते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे एक आर लिख दिया, एक आर, और ये इसके साथ में वाई कर दिया, है ना, प्रभावी प्रभावी। फिर ये कैपिटल आर लिया, एक क्या ले लिया इसके साथ, स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या लिया, एक स्मॉल आर और एक क्या ले लिया, कैपिटल वाई। फिर अगला क्या लिया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, चार ही गैमेट्स हो गए। ये चार ही तरह किससे गैमेट्स बन रहे हैं, और गैमेट्स बनाने का तरीका कैसे है, देखो यहाँ पे ये है ना, ये आर है, ये आर है, ये वाई है, और ये एक स्मॉल वाई। क्या किया पहले, यहाँ प्रभावी प्रभावी लिख दो, तो ये हो गया प्रभावी प्रभावी। फिर प्रभावी के साथ में क्या करो, एक अप्रभावी लिख दो, तो ये वाला दूसरा क्या है इसका विपरीत, ये वाला अप्रभावी। फिर यहाँ पर ये वाला एक गैमेट्स लिया, ये प्रभावी लिख दिया, इसके नहीं पहले क्या किया, ये सेकंड वाला बचन, ये सेकंड वाला अप्रभावी लिख दिया, और ये यहाँ पे प्रभावी लिख दिया। फिर अगला क्या कर दिया, कौन बचे, अप्रभावी अप्रभावी के बच गए, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये अप्रभावी हो गए, ठीक है। अब क्या चीज करो, सेम गैमिट्स हमको क्या लिखना है, इस P1 की भी लिखना है, तो सेम गैमिट्स इस साइड भी लिख दो, ठीक है, लिख दिए सेम। अब एक गैमिट्स अब हम क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते हैं तो एक कहां से आता है, पेरेंट्स वन से आता है, और एक कहां से आता है, पेरेंट टू से आता है। तो यहां से क्या आ गया, एक आर यहां से आ गया, ये हो गया। अच्छा मैं इस पे सिंबल कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, इस वाले को मैं इसके नीचे कर दूंगा यहाँ पे रेड, और इस वाले को बता देता हूँ ग्रीन से, ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया मान लो, ग्रीन वाली हो गया, तो यहाँ से कैपिटल आर, कैपिटल आर आ गया। तो क्या चीज होगी, यहाँ से एक तो ये ऊपर से आ गया, और एक कहाँ से आया, नीचे से आया है, इस साइड से आया, और एक वाई कहाँ, यहाँ ऊपर से आया, और एक वाई क्या है, यहाँ नीचे से आया। तो ये पौधा अब हमको कैसा मिला, इस पौधे का कैरेक्टर बताओ, या ये जो बीज दिख रहा है ये किस तरह का बीज दिख रहा है, गोल पीला। देखो आर हमने किसके लिए लिया था बेटा, यहाँ पे गोल के लिए लिया था, है ना, गोल। स्मॉल आर किसके लिए लिया था, झुर्रीदार के लिए लिया था, है ना। कैपिटल वाई किसके लिया था, पीले के लिए लिया था, है ना। और स्मॉल वाई किसके लिए लिया था, हरे के लिए लिया था, है ना। तो ये कैसा मिल गया हमको, गोल और पीला मिल गया, ठीक है। अगला एक आर कहाँ से आया, यहाँ से, एक आर यहाँ से आया, कैपिटल वाई यहाँ से आ गया, स्मॉल वाई यहाँ से आ गया। तो ये पौधा हमको कैसा मिल गया, ये पौधा भी हमको कैसा मिल गया, यहाँ पे गोल, और ये बीज देखो गोल पीला,
है ना। अगली चीज फिर से यहाँ से कैपिटल आया, एक आर स्मॉल आया और ये वाई वाई आ गया। तो यहाँ वाई कैपिटल वाई किसके लिए था, यहाँ पे कैपिटल वाई किसके लिए था, पीले के लिए था, है ना। तो ये कैसा मिल गया, गोल और पीला। फिर से गोल और पीला, ये अभी हम बेटा क्या देख रहे हैं, इसका फिनोटाइप देख रहे हैं, फिनोटाइप ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अभी जीनोटाइप नहीं देख रहे। तो ये हो गया। अब क्या चीज हुई यहाँ पे, लास्ट में क्या हुआ, एक कैपिटल आ गया कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई इस साइड से आ गया, पेरेंट्स वन से, पेरेंट टू से क्या आ गए, स्मॉल वाले आ गए। तो ये भी हमको फिर भी कैसा मिल रहा है यहाँ पे, गोल और पीला, पीला। ठीक है, अगला 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 गैमेट्स लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो ये पौधा जो हमको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर का और एक क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कैसा देखने को मिल रहा है फिर से, गोल पीला, गोल पीला। ठीक है, हम फिनोटाइप देख रहे हैं कि दिखने में हमको कैसा दिख रहा है। अगला ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल आर आया, तो कैपिटल आर के कारण कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा था, ये गोल हो रहा था, गोल हरा, हमको गोल देखने को, हाँ गोल हरा, अभी हरे पे मत पूछो, पहले गोल तो देखो, गोल हो गया। दोनों क्या है स्मॉल वाई है, मतलब क्या हो गया, ये पौधा स्मॉल वाई किसको डिनोट कर रहा था, हरे को डिनोट कर रहा था। तो ये भी हमको कैसा मिल गया है, गोल और हरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, मतलब क्या हो गया, फिर से पीला और गोल मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वाई कैसे हो गए, स्मॉल हो गए, इसीलिए ये बीज गोल तो है लेकिन कैसा है, हरा है। अगली चीज फिर से यहाँ पे, कैपिटल के कारण ये गोल हो गया और स्मॉल के कारण ये कैसा हो गया, पीला। अब यहाँ पे ये दोनों वाई वाई कैपिटल आ गए तो ये कैसा हो गया, पीला। यहाँ पर भी कैसा है, गोल है और पीला है, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर भी और कैपिटल वाई भी है। ठीक है, और ये कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, प्रभाविता के नियम के कारण हमको ये चीजें देखने को मिल रही है ना। ठीक है, अगली चीज आ रही है यहाँ पे, दोनों स्मॉल आर हो गए, मतलब ये कैसा हो गया, रिंकल वाला हो गया, झुर्रीदार हो गया, है ना। लेकिन कैपिटल वाई किसको कंट्रोल कर रहा था, येलो को कर रहा था, तो ये कैसा मिल गया हमको, येलो मिल गया। ठीक है, इस वाले में क्या चीज हुई है, यहाँ पे राउंड ये दोनों क्या है, स्मॉल आर आ गए, तो ये किसके लिए हो गया, झुर्रीदार हो गया, है ना, रिंकल्ड हो गया। और क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल वाई आया हुआ है इसीलिए ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, ये पीला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, यहाँ ये जो लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई के कारण फिर से गोल पीला मिल गया, यहाँ पे स्मॉल वाई आया है इसीलिए क्या हो गया, आर के कारण गोल और इसके कारण ये हरा हो गया। यहाँ पे स्मॉल आर के कारण ये रिंकल मिल गया, वाई के कारण क्या मिल गया हमको, ये पीला मिल गया। और लास्ट वाला जो है इसमें क्या है, दोनों के दोनों स्मॉल है, आर भी स्मॉल है वाई भी स्मॉल है, मतलब झुर्रीदार और हरा। ये एक शुद्ध पौधा है और ये एक क्या है, शुद्ध पौधा है। ठीक है, ये दो ही शुद्ध है। अब क्या चीज है, ये जो तुमने क्रॉस बनाया कॉपी में बनाया है, अब इसको सही बना, इसको मैच करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगा। देखो मैं को इसका कलर चेंज करने दो, ये क्या हो गया यहाँ पे रेड, मतलब ये एक पौधा, ये यहाँ पे हर समान आता है, ये एक समान आता है और ये एक समान आता है। तो इस पे क्या कर लो, एक तो 90 का एंगल ये बन जा रहा था हमारे पास, है ना, मतलब ये सब समान हो रहा है, गोल पीले हो रहे थे ना। एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, फिर से यहाँ से इसको 90 में जोड़ा, तो ये तीन क्या होना है, ये तीनों कॉर्नर वाले कैसे होना चाहिए, समान और लक्षण वाले होने। फिर एक कॉर्नर ये बना, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारे सही समान आए हैं, अगर इनका फिनोटाइप तुमको समान देखने को मिल रहा है कि इस लाइन में भी सबका एक जैसा फिनोटाइप है, इसमें भी, मतलब तुमने सही यहाँ पे गैमिट्स मिलाए हैं, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स के अगर समान गैमिट्स आए हैं तो मतलब तुम्हारा क्रॉस सही हुआ है, ये समान है, मतलब ये तीनों चीजें अगर मैच कर ली तो ये सही बन गया। ये नॉर्मल अपना तरीका है ना, ये खुद से बनाया वाला, कोई बुक का तरीका नहीं है कि ऐसा है ना, ये हम इससे मैच कर सकते हैं कि भाई हमने सही क्रॉस किया है या नहीं किया है ना। ठीक है, अब क्या चीज हुई यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया फिनोटाइप, है ना। अब हमने इसका फिनोटाइप देखा तो इसका रेसो कैसा आया था, यहाँ गोल पीला था, तो गोल पीले वाले काउंट करवाओ अब मेरे को, एक भी गोल पीला है, दो ये भी गोल पीला है, तीन ये भी गोल पीला है, चार ये भी गोल पीला है, पांच ये भी गोल पीला है, छह ये भी गोल पीला है, सात ये भी गोल पीला है, आठ और एक ये गोल पीला है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमको नौ पौधे मिल गए गोल और पीले।
ठीक है, कितने मिले? 9। ठीक है, अब अगला, अगला क्या कर रहा है? इसको, है ना, ये वाला, तो ये कैसा है? गोल और हरा, तो ये हो गया गोल हरा, गोल हरा, और ये हो गया गोल हरा। कितने हैं ये? 3 है। तीन। हमको 3 पौधे मिल गए इसके, गोल और हरे वाले। ठीक है, अगली चीज ये वाला है ना, ये बचे ना, ये कैसा है? यहाँ पे झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, तो ये 3 हमको मिल गए यहाँ पे, झुर्रीदार और पीले। ठीक है, और ये एक, ये एक महाशय लगे, झुर्रीदार हरा, तो ये पौधा मिल गया हमको, एक झुर्रीदार हरा। ठीक, तो अब इसका फिनोटाइप का अनुपात क्या आ गया? तो इसका फिनोटाइप का अनुपात क्या बन गया बेटा यहाँ पे? इसका फिनोटाइप बन गया 9:3:1। ये है इसका फिनोटाइप। ठीक है, अब है दूसरा टाइप, डाई हाइब्रिड में, और ये क्या है? द्विसंकर क्रॉस देख रहे हैं हम, सारी चीजें एक साथ में याद रखनी है अभी। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप होता है 9:3:1 होता है। ठीक है, अब बारी आती है इसके जीनोटाइप की, तो ये है इसका जीनोटाइप। अब जीनोटाइप मैच करना है ना, मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूं, जीनोटाइप मैच करना। तो जीनोटाइप में शुद्ध पौधे कितना मिला था यहाँ पे? देखो, ये एक भर मिला था समान युग्मक वाला, है ना, ये और ये समान था, तो इसके लिए जीनोटाइप क्या आ गया यहाँ पे? गोल और पीले के लिए ये हो गया 1। ठीक, अगला पौधा लो, अगला पौधा कैसा है यहाँ पे? गोल है, लेकिन क्या है इसमें यहाँ पे? गोल के क्या है? 2 कैरेक्टर्स है, एक ये है और एक ये है। इसके जैसे गैमेट्स ढूंढो यहाँ पे, कहाँ पे है इसके जैसा गैमेट्स? कहाँ पे है यहाँ बता, इसके जैसा गैमेट्स कहाँ पे? सेकंड में फर्स्ट वाला। हाँ, सेकंड में फर्स्ट। हाँ ठीक है, ये वाला है ना, सेकंड में फर्स्ट। इसमें क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे? ये और ये कैसा हो गया यहाँ पे? सेम हो गया। तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे? 2 लिख दिया। चलो अगले लक्षण पे आओ, इसके ऊपर। अब इसके जैसा गैमेट ढूंढो कहाँ पे, इसके जैसा गैमेट ढूंढो, इसके जैसा कहाँ पे? थर्ड में फर्स्ट। थर्ड में फर्स्ट है ना, एक ये हो गया और एक क्या हो गया? ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 है ना। अब है इसकी बारी। अब इसके जैसे क्या है यहाँ पे? 4 है, वो है ना, 4 ढूंढना है, 4 ढूंढो फटाफट। कहाँ पे? एक तो ये हो गया, दूसरा सेकंड में, थर्ड, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। ये सीधी एक लाइन ही है ना, सीधी एक लाइन हो गई है ना। तो ये कितने पौधे हो गए यहाँ पे? 4 हो गए। चलो अगला, अगला कैरेक्टर कौन सा बच गया? ये वाला ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? और इसके जैसा कोई दिख रहा है क्या? कैपिटल आर, कैपिटल आर नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, इतने ही बचे ना, ये इतने नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे? ये फिर से 1 हो गया। अब अगला, अगला ये वाला, इसके जैसे कितना दिख रहा है? एक तो ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाला, इसके जैसा कौन सा युग्मक है? सेकंड। ये है फोर्थ में सेकंड। इसका अनुपात कितना हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। ठीक है, अब अगला, अगला, अगला क्या है? ये इसके जैसा कौन कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? डबल वाई वाला कोई इसके जैसा कोई नहीं दिख रहा है ना? तो इसका अनुपात कितना हो गया यहाँ पे? ये 1 हो गया। अगला, अगले पे आओ, तो अब क्या है यहाँ पे? ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कितने हैं फिर से यहाँ पे? 2 है, ये दो है ना। इसका अनुपात हमने कितना लिख दिया यहाँ पे? ये 2 लिख दिए। फिर ये कितना बचा अब यहाँ पे? सबसे लास्ट बचा हमारे पास सिर्फ 1 है ना, तो इसका अनुपात लिख दिया 1। अब देखो यहाँ पे इसका अनुपात कितना आ गया? 1:2:4:1:1:2:1 अब हमको ये अनुपात भी याद रखना है कि भाई कितना अनुपात यहाँ पे जीनोटाइप में क्या होता है, याद रहेगा? ये है इसका जीनोटाइप,
ठीक है। फिनोटाइप क्या था इसका? 9:3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 :
बनता है, फिनोटाइप क्या बनता है, तो ये बनेंगे, जीनोटाइप ये हो गया और फिनोटाइप ये हो गया। तो ये समझ आया? Yes, sir. अब ये तो हो गया यहाँ वाला क्रॉस। अब तुम लोग बनाओगे कोई दूसरे दो कैरेक्टर्स लेके, ठीक है? दो कैरेक्टर लेना, कोई भी दो ले लो, है ना, और उनके बीच में ऐसा डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक चार्ट बना के उसका अनुपात निकाल के यहाँ पे मेरे को बताओगे। और ये जैसे यहाँ पे रेसो लिखे है, ऐसे ही रेसो भी इसमें गैमेट्स ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ऐसे लिख के बताना, ठीक है? ये होमवर्क में, ठीक है बेटा?